तलवार से इनका सिर काट दिया था। ये पहले मूर्ति बनाने वाले ने बनाई, वो गलत बनाई थी। तो वो तो पता देवता है ये पुराने बुजुर्गों का टाइम का। आज हम आ गए हैं एक और नई जगह पे और इस जगह का नाम है चेली मुंगन, एक छोटा सा गांव जैसुमपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर जाके पहाड़ों में। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता उस कड़ियार से आता है। तो अगर आप बैजनाथ की तरफ से अगर आ रहे हैं, बैजनाथ कड़ियार की तरफ से आप आ रहे हैं तो आप इस रास्ते से, लेकिन अगर आप आ रहे हैं कांगड़ा हमीरपुर और जसीमपुर साइड से तो ये वाला रास्ता है, यहाँ से आप आ चुके हैं। और तो इस जगह का नाम है चेली मुंगन। चेली मुंगन में मुंगल में ये जगह पड़ती है। वही जानते हैं छोटे से गांव में छोटी सी जगह पर पहाड़ पे ये हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है और एक यहाँ पर ये पुराना मंदिर देख रहे, काफी पुराना लग रहा है देखने में। उसके बारे में जानते हैं यहाँ के गाँव के ही लोगों से, यही यहाँ के गाँव के लोग हैं जो इनसे हम जानते हैं इसके बारे में। ये हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि ये काफी अच्छी जगह है। तो इस जगह के बारे में, ये मंदिर जो मूर्ति की प्रतिमा हनुमान जी की, ये किस तरह से बनी और कितना पुराना है, क्या इसके पीछे कुछ रहस्य है, इतिहास क्या है इसका, तो वो थोड़ी हमें इसकी जानकारी दीजिए जी। पहले तो यहाँ पर गुगे मंदिर होता है। अच्छा जी, बाकी पुराने बुजुर्गों के टाइम का, कम से कम जाती से घटता भी कोई 400-500 साल पहले का है। अच्छा अच्छा, ये मंदिर जो है ना, अच्छा ये ऐसे होता फिर इसका मंदिर बनाया। अच्छा, फिर ये मंदिर ऐसे था, फिर यहाँ पर एक सोदार रिटायर आया। अच्छा, सोदार मेजर रामकृष्ण, उसके मन में ऐसा आया कि भाई मैं मूर्ति बनानी, ये पहले मूर्ति बनाने वाले ने बनाई, वो गलत बनाई थी, उसको तोड़ दिया। अच्छा अच्छा, उसके बाद एक यूपी का कोई मिस्त्री आया, उसने कलाकार ने उसने ये मूर्ति बनाई। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे जाना कि पहले यहाँ पर ये बनाने की कोशिश करी तो ठीक नहीं बनी मूर्ति, उसके बाद उसको दोबारा से मतलब गिरा दी गई और फिर उसके बाद दोबारा से इसकी तैयारी करी। जो यूपी से थे एक मूर्तिकार, उन्होंने आके ये 2016 में ये तैयार करवाई। जैसा कि हमने देख पा रहे हैं कि ये जो है ये काफी पुराना लग रहा है मंदिर, छोटा सा बना हुआ है छोटा सा, और इसके अंदर ये जो मूर्ति है ये भी काफी मतलब पुरानी, काफी पुरानी लग रही है। बहुत पुरानी है ये, तो कोई 200-400 साल पे पुरानी है, हमारे बुजुर्गों की है मतलब। पूजा वगैरह करने करते हैं पूजा, अपना गांव के लोग ही करते हैं। हाँ, गांव के लोग, कोई पुजारी नहीं, मतलब कोई पुजारी पुजूरी तो कोई नहीं है। ये देखिए छोटा सा मंदिर, और ये देखने में ही लग रहा है कि कितनी पुरानी है ये। हमें यहाँ जैसे यहाँ बताया गया कि ये 100-200 साल पुरानी यहाँ पर जो है ये मूर्ति है, और ये गुग्गा भगवान जो है उनकी है, गुग्गा की है। लड़ाई हुई थी ना किसी से इनकी, तो उनसे तलवार से इनका सिर काट दिया था, तो ये 2.5 घड़ियां जो है बिना सिर से लड़े थे। तो नजारा देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल है यहाँ से। अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आप यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए रुक सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, इनका आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों आई होप ये छोटा सा एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा, काफी काफी पसंद आया होगा। व्यू आपको मैंने यहाँ का दिखाया, व्यू भी आपको काफी प्यारा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जगह पे, नए एपिसोड के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।